नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलदा मंडी पाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार और दस को आज दिन है 24 अक्टूबर 2021 का। तो आज की जो दिन है रविवार का दिन है और जो लहसुन की आव के जो बिकने के लिए आई हैं वो 25 अक्टूबर 2021 को जो बिकने के लिए आई हैं उसकी कितनी आव की हमें देखने को मिली और मंडी गेट की स्थिति क्या है, पूरा वीडियो की जानकारी आप जरूर सुनेगा ताकि आप सभी किसान भाइयों को पूरे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचे। ये जो आव की आज की आप देखेंगे वीडियो के माध्यम से ये बिकेगी 25 अक्टूबर 2021 को और बाहर के जो वाहनों की स्थिति है, गेट लग चुके हैं उसकी क्या स्थिति है, कितने वाहन अभी मंडी के पीछे वाले गेट पर जो हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए ताकि आप सभी किसान भाइयों को दलदा मंडी की जो भी जानकारी हो सबसे पहले वो सटीक जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक यहाँ की जो जानकारी है वो जरूर शेयर कीजिए ताकि आपको रोजाना की अपडेट, बाजार भाव की अपडेट वो सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुँचे। तो 24 अक्टूबर का दिन है दोस्तों रविवार का और जो आवकियां हैं 25 अक्टूबर 2021 को बिकने के लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप सभी किसान भाइयों को वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी जरूर मिल सके। ये लहसुन की आंकें जो आप सभी किसान भाई देख रहे हैं बिकने के लिए आई हैं 25 अक्टूबर 2021 को। तो कितने आंकें हैं पूरी तरह से पूरी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। मैं लाइव अपडेट आप सभी किसान भाइयों को यहाँ की जो बता रहा हूँ तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ की जो आंकों की स्थिति है पूरी जानकारी मिल सके कि टोटल कितनी आंकें आई हैं और गेट की क्या स्थिति बन रही है अभी की। तो ये इस प्रकार की जो आंकें हमें देखने को मिली हैं मंडी के अंतर्गत। तो दोस्तों अगर आप अपनी लहसुन अगर आप मंडी में लेके आते हैं तो मंडी के अंदर तो शायद आपको जगह नहीं मिलेगी अब, क्योंकि इतनी आवके हो चुकी हैं और जगह भी नहीं बची हैं। जो ट्रैक्टर पिकअप हमें देखने को मिले हैं उतने आवके क्या हैं लगभग दोस्तों, जो आवके हमें देखने को मिली हैं जो प्लेटफॉर्म के आवक तो आप सभी किसान भाइयों को मैंने बताई दी हैं। इसी माध्यम से आप यहाँ की जो जानकारी ले लीजिएगा कि ट्रैक्टर पिकअप की आवके कितनी है। तो दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें ट्रैक्टर पिकअप की लाइन आप सभी किसान भाइयों को यहाँ से देखने को मिलेगी और मैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ की जो पूरी जानकारी बता दूंगा कि कितने आवके ट्रैक्टर पिकअप की हमें देखने को मिली है। तो 25 से 30 ट्रैक्टर पिकअप हमें देखने को मिले हैं, ये आप देखिएगा इस प्रकार के आवके। कहीं पर भी स्पेस खाली नहीं बचा है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं मंडी के अंतर्गत की जो आवके आप सभी किसान भाइयों को यहाँ की जो देखने को मिल रही हैं। इसी वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले लीजिएगा। ये एक और साइड है, इसी एक ही प्लेटफॉर्म की दो साइड है दर्शकों, तो एक साइड की और आपको स्थिति बताऊंगा मैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं करते हुए आपको बहुत ही छोटे और स्मॉल साइज में ही आप सभी किसान भाइयों को मैं जानकारी दूंगा यहाँ की जिस प्रकार से हमें आवके देखने को मिल रही हैं। बढ़िया आवके आ गई हैं अवकाश को देखते हुए, अभी जो आवके पहले थी उतनी तो नहीं है। बाहर की स्थिति क्या देखने को मिलेगी, गेट की स्थिति क्या है वो अभी तक जानकारी के मुताबिक शायद गेट लग चुके होंगे। मेरे अनुमान से हिसाब से आपको बता रहा हूँ गेट लग गए होंगे जो आवके हमें देखने को मिली हैं यहाँ की। तो अपनी लहसुन मंडी में लेकर आए हैं कहीं काम रो भैया बनवाड़ा कहीं नाम आपको कदी का आया मंडी में 5 दिन हो गया। इन किसान भाई से जानकारी के मुताबिक इनको 5 दिन हो गए दोस्तों जो अवकाश के मुताबिक जो आवके हमें देखने को मिली है। भाई साहब आप हमें जानकारी दीजिएगा कितने दिन आपको मंडी में अपनी लहसुन लाए होंगे हैं बाहर वाहनों की स्थिति के माध्यम से भी और अंदर आने की स्थिति के माध्यम से। 5 दिन हो गए। 5 दिन होंगे। कब आप मंडी के बाहर लाइनों की स्थिति में खड़े हुए थे? बुधवार के दिन ये खड़े हुए थे। और कब आपके अंदर प्रवेश हुआ है मंडी के अंदर? शनिवार को। तो दोस्तों जो जानकारी के मुताबिक बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार को रात तक इन भैया ने 4 दिन मंडी के बाहर वेट किया है और शनिवार के दिन ये मंडी के अंदर प्रवेश हुआ है और रविवार के दिन भी अंदर ही है और कल इनके माल की बिक्री होगी। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इन भाइयों को मंडी में बिक्री के लिए 6 दिन लग जाएंगे। देखिएगा मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन इस भैया को मंडी में बिक्री के लिए हो जाएंगे। और बहुत से ऐसे किसान भाई भी हैं जिन्होंने मंगलवार के दिन भी अपनी लहसुन लाइन में लगा रखी थी बाहर वाले गेट की स्थिति के माध्यम से। तो किसी किसी किसान भाइयों को 5 दिन हो गए हैं मंडी में और किसी किसी किसान भाई को 6 दिन हो गए हैं। तो आपके भी आप देख लीजिएगा, मैंने आपको लाइव किसान भाई से ही चर्चा की है कि बुधवार के दिन से किसान भाई मंडी में बाहर खड़ा था और शनिवार के दिन उसने किसान भाई ने मंडी के अंदर प्रवेश किया था। अब सोमवार की स्थिति के माध्यम से वो अपनी लहसुन बिक्री कर पाएगा।
ये आवके हैं। अब इसी के माध्यम से आपको यहाँ की जो आवके हैं वो देखने को मिलेगी ट्रैक्टर पिकअप की। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको ट्रैक्टर पिकअप की जानकारी पूरी मिल जाएगी। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति, 25 से 30 ट्रैक्टर पिकअप हमें देखने को मिले दोनों साइड के माध्यम से। इधर तो इक्का दुक्का ही है लेकिन इस साइड में ज्यादा वाहन हमें देखने को मिले हैं। अब ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं मंडी के बाहर वाले जो पीछे वाले गेट की स्थिति पर। क्या वाहनों की स्थिति है, नहीं, कितने वाहन बाहर खड़े हैं या नहीं, पूरी जानकारी आपको मैं लेके आप सभी किसान भाइयों को बताऊंगा। ये भी किसान साथी हैं। सर जी, आप हमें बताएंगे मंडी में आप कब के आए हैं? हमको तो हो गए आज 6 दिन। 6 दिन हो गए मंडी के बाहर लाइनों की स्थिति में। आपने वाहन कब लगाया था? 3 दिन से बाहर लाइन में लगा रहा हूं जी। 3 दिन से ये बाहर थे। और मंडी के अंदर आपका प्रवेश कब हुआ है? कल प्रवेश हुआ है। तो ये देखिएगा इन किसान भाई की जानकारी, आज रविवार का दिन है, कल शनिवार है, तो ये मंडी में आए होंगे या फिर शुक्रवार को शाम को इनका मंडी में प्रवेश हुआ है, जो आपको किसान भाई से जाने। अब हम चलते हैं दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए मंडी के जो पीछे वाले गेट की स्थिति क्या बन रही है उसका जायजा लेकर। दोस्तों, आज की जो जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर 2021 का आज दिन है, रविवार का, और मंडियां आज बंद हैं। इसके मुताबिक जो मंडी में आवकें आई हुई हैं उसकी जो गेट लग चुके हैं और उसकी क्या स्थिति आज की हमें देखने को मिली है, तो वाहनों की स्थिति आपको लाइव जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक, यहाँ की दलदा मंडी के गेट के जो पीछे वाली लाइन की स्थिति जो हमें देखने को मिली है वो क्या रही है और कितने वाहन हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये जो जानकारी है, अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और ये हमें किसान भाई हैं, इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि कल से कब से लाइनों में अपना ट्रैक्टर पिकअप खड़ा कर रखा है। सर जी, आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले, क्या नाम है सर आपका? घनश्याम जी। कौन से गांव रहते हो? बोंडिया। अब ये जानकारी इनसे लेंगे हम कि कब से आप आए हैं मंडी के पीछे वाले गेट पर, आपने कब से अपना ट्रैक्टर पिकअप लगा रहा है? आज सुबह 11 बजे से इन्होंने अपनी ट्रैक्टर, क्या लाके आए हो? ट्रैक्टर पिकअप लेके आए हैं और इन्होंने अपने ट्रैक्टर जो पिकअप जगह लेके आए हैं किसान भाई, इन्होंने अपने पीछे वाली गंडी के जो लाइन हमें देखने को मिली है यहाँ की, जो आप जानकारी लीजिएगा जो हम आप सभी किसान भाई तक पहुंचा रहे हैं, इसकी स्थिति के माध्यम से 30 वाहन हमें अभी देखने को मिले हैं। काउंटिंग करके आप सभी किसान भाइयों को मैंने यहाँ की जो जानकारी ली है, जो आवके हमें देखने को मिली है मंडी के पीछे वाले गेट पर, लगभग 30 वाहन है दर्शकों अभी की स्थिति में। अभी 1:10 हो रहे हैं जो आपको मैं स्थिति बता रहा हूँ यहाँ की, 30 वाहन है, इसे भी और आगे बढ़ सकती हैं। ये देखिएगा एक और ट्रैक्टर अभी हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला है, ऐसे आवके बढ़ सकती हैं दर्शकों। तो जो आवके आज के हमें देखने को मिल रही है मंडी के पीछे वाले गेट की, तो लगभग 30 और 31 ट्रैक्टर हो चुके हैं दर्शकों अभी की स्थिति में। काउंटिंग मैंने करके आप सभी किसान भाइयों को स्थिति बताई है, फेक जानकारी नहीं दूंगा, जो जानकारी होगी सही एवं सटीक जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचेगी। निवेदन रहेगा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 30 ट्रैक्टर अभी की जो मंडी के पीछे वाले गेट की स्थिति के हमें देखने को मिले हैं। दोस्तों, आप ट्रैक्टर देख रहे हैं स्वराज 735 एफी, इस ट्रैक्टर के किसान भाई से आपको मिलूंगा, फर्स्ट स्टार्टिंग का ट्रैक्टर है। इन किसान भाई से हम जानकारी लेंगे कि कब से अपना ट्रैक्टर लाइनों में खड़ा कर। भैया, आपका नाम बताइएगा? सुभाष जी। कौन से गांव रहते हो? रिचा देवड़ा के निवासी है। अब हमें ये जानकारी दीजिएगा, आपने ट्रैक्टर जो लाइन में खड़ा कर रखा है कब से खड़ा है? शनिवार कल सुबह 8:45 आ गए। शनिवार के दिन कल सुबह की जो टाइमिंग बता रहे हैं 8:45 किसान भाई अपना ट्रैक्टर लेकर मंडी में आ गए थे, लेकिन इनको गेट बंद थे तो इन्होंने अपनी लाइन के बाहर जो पीछे वाली गेट लाइन लग रही है वहाँ पर इन्होंने, पहला ही नंबर इन किसान भाई का है जो इन्हें जानकारी मिली है। टोकन पर्ची हमें देंगे। आज के जो किसान भाई से हमने ली है तो ये पर्ची एक नंबर की है, स्वराज जो आप देख रहे हैं, स्वराज 735 ट्रैक्टर इन्हीं किसान भाई का है जो ये किसान भाई लेके आए हैं। सुभाष जी रिचा देवड़ा इनका ट्रैक्टर है, लसन के किसान भाई हैं जो लसन लेके आए हैं, एक नंबर का ट्रैक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का जो आप वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसान भाई ने मुझे जानकारी दी है इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सटीक जानकारी आप सभी किसान भाई हमें देते रहे। ये हमारे सर जी, कई नाम है भैया आपको? बाबूलाल जी। कहीं काम रहा? आपके पास भी पर्ची है? हाँ जी, इनके पास भी पर्ची है, ये भी हमें पर्ची दिखाएंगे कि हमको आपको किसान भाई आपको सटीक जानकारी का हमारा वसूल है कि हम आप सभी किसान भाइयों को जो भी जानकारी दें सही हम सटीक जानकारी दें। ये भी पर्ची इनके सर, क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल जी। कहीं काम रहा? मुंडलाराम के निवासी है। इनकी पर्ची है दोस्तों 4 नंबर की जो पर्ची हमें देखने को मिली है इन किसान भाई की, पाटीदार जी कृषि फार्म मुंडलाराम की जो इन्होंने पर्ची अपनी बनाई है लहसुन की, 24/10/2021 की ये पर्ची है, लेकिन इनका कल भी क्या
अंदर कब आया लहसुन लेकर? शनिवार के दिन यही किसान भाई, शनिवार के उनके साथी किसान भाई हैं जो मंडी में लेकर आए हैं। इनकी यहीं पर इक्का दुक्का कहीं वाहन में इनका पड़ा है, चौथा नंबर है इनका जो आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसान भाइयों का। जय जवान जय किसान।